हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीसी डॉट दिव्या। और मैं हूँ दिव्या। आज मैं आपके लिए व्रत में खाए जाने वाले स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए देखते हम इसे कैसे बनाएंगे। लग रहे हैं ना हमारे नारियल के लड्डू एकदम टेस्टी, इसे बनाना और भी आसान है। चलो देख लेते हम इसे कैसे बनाएंगे। एक पैन लूंगी, पैन में हम एक चम्मच घी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल, दो कटोरी हम इसमें सूखा नारियल डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे रोस्ट करना है और इसे आप लगातार चलाते रहिएगा। अगर आपने बीच में रोका ना तो ये नीचे से जल जाएगा। और दो तीन मिनट हो गए, अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी दूध और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसे भी दो तीन मिनट तक पका लेंगे। इससे हमारे नारियल का कच्चापन निकल जाएगा और दूध भी अच्छे से पक जाएगा। और ये दूध और नारियल पक चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी चीनी और इसे भी हम एक बार मिक्स कर देंगे। और दो मिनट हो चुके हैं, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी मिल्क पाउडर और इसे भी हम एक बार मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर आप ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो वो आपके दांतों में चिपकेगा। हमें मिल्क पाउडर सिर्फ थोड़ा ही डालना है ताकि हमें थोड़ा खोए का टेस्ट आ सके। बस इसे ही हम 3-4 मिनट तक चलाते रहेंगे और 3-4 मिनट बाद हमारा एक शेप आने लगेगा लड्डू जैसा। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हम जब चम्मच से ऐसा मिक्स करेंगे तो आपको एक लड्डू का शेप दिखेगा। बस इसी टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम हाथ में लेंगे और ऐसा एक शेप बना के देखेंगे। ये लड्डू का शेप बन रहा है, अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए मैंने एक चम्मच ली है जिससे हम सारे लड्डू का नाप ले सके और सारे लड्डू एक जैसे बने। एक चम्मच ली, उसमें मैंने हमारा नारियल का मिक्सचर लिया है, उसे हमने चम्मच में फिल किया और उसका एक नाप ले लिया। ऐसे ही करके मैंने सभी मिक्सचर और लड्डू का नाप ले लिया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक कटोरी। कटोरी में लेंगे हम डेसिक्रेटेड कोकोनट, जो कोकोनट को हमने लड्डू बनाने के लिए लिया है वो ही कोकोनट लिया है। लड्डू का हम शेप करेंगे और इसके बाहर की तरफ नारियल लगा देंगे ताकि हमारे लड्डू और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। ऐसे करके हम सभी लड्डुओं में करेंगे। आप ये लड्डू को बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आपके लिए आपके घर में कोई मीठा ना हो तो आप फटाफट से लड्डू बना करके खिला सकते हैं। ये लड्डू को आप फास्ट में खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। और क्या चाहिए लड्डू बनाने के लिए। और ये देखिए, हमारे सुपर सॉफ्ट टेस्टी नारियल के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। ड्राई फ्रूट पाक बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी एक पैन। पैन में डालूँगी आधा छोटा चम्मच घी और इसे हम मेल्ट होने देंगे। हमारा घी मेल्ट हो गया है, मैं यहाँ पे डालूँगी एक कटोरी मखाने। मैंने मखानों के 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं और इसे हम रोस्ट करेंगे। हमें इसे इतना रोस्ट करना है ताकि मखानों में क्रंचीनेस आ जाए। हम इसे हाथ से दबा के देखें तो ये आसानी से चूरा हो जाए। बस ये हल्के से रोस्ट हो गए हैं, 3-4 मिनट ही लगे हमें इसे रोस्ट करने में। इसी पैन में मैं वापस से डालूंगी घी। बस थोड़ा सा ही घी डालना ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो सके। घी मेल्ट होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच डेसिक्रेटेड कोकोनट। यह आसानी से मार्केट में मिल जाता है, इसे नारियल का बूरा भी बोलते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी काजू। काजू को भी छोटा छोटा कट कर लिया है, इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि नारियल का बूरा बहुत जल्दी चिपक जाता है। इसे हम लगातार चलाते भी रहेंगे। और मैंने इसमें डाला है बादाम, 6-7 बादाम लिए है। और मैंने इसमें डाली है सूखे नारियल की चिप्स। अब हम इसे 2-3 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाए। और ये देखिए, 2-3 मिनट हो गए हैं, हल्का ब्राउन कलर भी आ गया है, मतलब कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। इसे भी हम
एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। मैं उसी पैन में डालूंगी एक कटोरी शक्कर, ग्राम्स में देखेंगे तो 60 ग्राम शक्कर है, और मैं इसमें डालूंगी आधी कटोरी पानी। इसे हम मेल्ट होने देंगे और इसी टाइम पे मैं डालूंगी आधी चम्मच इलायची पाउडर। अब हम इन सबकी चाशनी बनाएंगे। हमारी चाशनी बन रही है, जब तक हम जिसमें भी हमारा पाक को सेट करेंगे उसे हम ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे पाक सेट करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे बोर्ड को सेट ग्रीस करूँगी। ग्रीस करने से हमारा पाक बहुत ही इजी से निकल जाएगा। और ये देखिए हमारी चाशनी को 2-3 मिनट हो गए हैं, और ये एक तार की चाशनी बनानी है। आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं एक तार बनने लगा है। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसी गरम गरम चाशनी में हम डालेंगे हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट। इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए लगातार चलाते जाएंगे ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट के ऊपर चाशनी की कोटिंग हो सके। और इसे हम ऐसे ही लगातार चलाते जाएंगे, 2-3 मिनट बाद सेट होने लगेगी हमारा पाक। अब मैं इसमें डालूंगी किशमिश और चिरौंजी, इसे भी हम मिक्स कर देंगे और इसे भी हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट बाद हमारे सारे ड्राई फ्रूट और चाशनी सेट होने लगेगी। और ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट और चाशनी सेट होने लगी है, और हमने जिस बोर्ड पे ग्रीस किया था उसी बोर्ड पे हम हमारे सारा पाक निकाल लेंगे और अब हम इसे सेट करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्वायर में सेट करूँगी ताकि हमारी पीसेस बहुत ही अच्छे और नीट एंड क्लीन निकले। ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा सेट हो गया है पाक, और मैं इसके ऊपर डालूंगी ऊपर से पिस्ता और इसे हम कट कर लेंगे। हम इसे इसी वक्त कट कर लेंगे और 2 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। और ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट पाक बन करके तैयार हो गया है। लग रहे हैं ना हमारे रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। ये रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने लिया है 2 लीटर दूध, और इसकी हम एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। ये देखिए हमारे दूध की एक बॉईल आ गई है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे हम 2 मिनट के लिए ही ठंडा करेंगे, और इसे है ना हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध के ऊपर मलाई जम जाएगी जो कि हमको नहीं चाहिए। और ये देखिए दूध ठंडा हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हुआ है क्योंकि 2 मिनट ही ठंडा करना था। अब हम दूध को देंगे शॉक, मतलब कि अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, क्योंकि हमें दूध का छेना अलग करना है और दूध का पानी अलग करना है। इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू नहीं हो तो आप एप्पल साइडर विनेगर या तो प्लेन विनेगर भी डाल के दूध का छेना निकाल सकते हैं। मैंने 2 लीटर दूध लिया है तो मुझे 2 नींबू लगेंगे दूध को फाड़ने के लिए। और ऐसे ही हम धीरे धीरे नींबू का रस डालते जाएंगे और दूध में से छेने को अलग कर लेंगे और इसे साथ के साथ चलाते भी जाएंगे। अगर आपका दूध में से छेना अलग नहीं हो रहा हो तो आप एक बार गैस की फ्लेम ऑन करना और उसे एक बॉईल आने तक थोड़ा सा वेट करना, अपने आप ही अलग हो जाएगा दूध में से छेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आजकल सोयाबीन के दूध आते हैं, पैकेट वाले दूध आते हैं, प्रिजर्वेटिव दूध आते, जिस वजह से भी ऐसी वाली दिक्कत आती है। पर इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई स्पेशल दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारे दूध में से छेना अलग हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है वाइट कलर का कॉटन का कपड़ा। आप यहाँ पर कॉटन का कपड़ा ही लेना, चलनी वगैरह मत लेना। और मैंने उसमें से पानी निकाल दिया। अब हम छेने को वॉश करेंगे। हम छेने को इसलिए वॉश करेंगे ताकि छेने में जो भी खटाईपन निकला हो, नींबू का रस की जो खटाई आई हो, वो सब निकल जाए। आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही वॉश करिएगा। अब हम हमारे छेने में से पानी को अलग करेंगे तो मैं इसकी पोटली बनाऊंगी और इसे राउंड राउंड करूंगी। बिल्कुल आपको वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसे ही करिएगा। और मैं इसे अभी राउंड राउंड कर रही हूँ। जो भी छेने में एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकालना है, और इसे मैं तपेली के साइड में रख कर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। आप 10 मिनट से ज़्यादा के लिए मत छोड़िएगा, नहीं तो वो ज़्यादा सूख जाएगा और उसका पनीर बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे ली है एक स्टील की थाली, और इसे अब हम मथेंगे। मथेगे मीन्स कि इसे एकदम अपने हाथों से सॉफ्ट करेंगे, एकदम चिकना कर देंगे ताकि हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट बने।
हम एकदम हलवाई वाले रसगुल्ले बना रहे हैं। हम इस रेसिपी में मैदा, कॉर्नफ्लावर, कोई एक्स्ट्रा चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप इस रेसिपी को व्रत में भी खा सकते हैं। और इसकी हमने एकदम चिकना कर लिया है, 15 मिनट तक हमने इसे मथा है। अब हम इसकी बॉल बनाएंगे छोटी छोटी। ये देखिए, हम इतनी ही बड़ी बॉल बनाएंगे क्योंकि ये 2 गुना फुल के बड़ा होगा। अब हम इसकी चाशनी बना लेते। मैं यहाँ पे कुकर में बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी शक्कर। हमने यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर लिए तो 2 कटोरी पानी लेंगे। और इसकी हम 1 बॉईल आने तक पकाएंगे ताकि हमारी शक्कर मेल्ट हो जाए। और मैं इसमें डालूंगी गुलाब जल और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी शक्कर भी मेल्ट हो गई है और हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब मैं इसे कुकर में डालूंगी। एक साथ हमें ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 5-6 ही डालना है क्योंकि हमारे रसगुल्ले भी फूल के 2 गुना होंगे। और इसका ढक्कन लगा दूंगी और 1 सीटी आने तक हम वेट करेंगे। और ये देखिए, 1 सीटी आ गई है और हमारे रसगुल्ले भी बहुत अच्छे फूल गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी और सेकंड बैच बना लेंगे हम। सेकंड बैच में मैंने कोई शक्कर अलग से नहीं ली है, चाशनी अलग से नहीं बनाई है। उसी चाशनी में हम फिर से रसगुल्ले डालेंगे और इसका भी हम ढक्कन लगा लेंगे और 1 सीटी आने तक वेट करेंगे। आप ना रसगुल्ले को ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं ठंडे होने के बाद ये और भी। और ये देखिए, हमने कुकर खोल लिया है और इसे भी हम एक बॉल में निकाल लेंगे। और ये देखिए, ठंडे होने के बाद एकदम सॉफ्ट, बड़े बड़े और बहुत ही टेस्टी लगे। और ये देखिए, हमारे रसगुल्ले बन करके तैयार हो गए हैं। ड्राई फ्रूट की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 पैन। पैन में मैं डालूंगी आधा चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देंगे। हमारा घी मेल्ट होने के बाद मैं इसमें डालूंगी मखाने 1 कटोरी और मैं इसमें डालूंगी काजू 6-7, बादाम 6-7 कटे हुए बारीक, और 1-2 चम्मच डालूंगी चिरौंजी। आप यहाँ पे कोई दूसरे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतने ही ड्राई फ्रूट डाले हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है। खीर में जब हम सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट करे हुए डालते हैं ना, तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा आता है। और ये देखिए, 2 मिनट मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। उसी पैन में मैं डालूँगी 1/2 लीटर दूध और मैं इसमें डालूंगी 10-12 किशमिश और 1/2 छोटा चम्मच इलायची और 4 चम्मच डालूंगी शक्कर। और इन सबको हम एक बार मिक्स कर देंगे, एकदम तली से लेकर हम इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए, 1 बॉईल आ गया है। ऐसे ही हम 6-7 मिनट बॉईल करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो इसके तले में हमारा दूध चिपक जाएगा। और ये देखिए, 6-7 मिनट हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट। सारे ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और इसे एक बार मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी केसर। केसर के मैंने इसमें लिए है 6-7 धागे और उसे मैंने 2 चम्मच गर्म पानी में भिगो दिया था। और ये देखिए, मैंने केसर डाल दिया और एक बार फिर से चला लिया, नहीं तो वो तले में चिपक जाएगा हमारा दूध। अब मैं इसमें डालूंगी पिस्ता। पिस्ता भी मैंने 6-7 ही लिए और इसकी 1 बॉईल ले लेंगे इन सबकी। और ये देखिए, 1 बॉईल आ गई है। आप ये वाली खीर ज़रूर बनाइएगा। ड्राई फ्रूट की खीर है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और ये हमारी ड्राई फ्रूट की खीर बन करके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे बाकी सोशल एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप मुझे वहां पे जाके जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।